2019. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our next grammar class. So go to continue kare mere saath sab. MCQs. Students, aaj grammar class mein aapko MCQs karaungi. Pehle mere saath aap MCQs ko read karenge achhi tarah se. Uske baad aapne write karna hai copy mein. Number 1. The rabbit is dash a carrot. The rabbit is dash a carrot. Rabbit जो है वो carrot क्या कर रहा था? Eating खा रहा था, drinking पी रहा था या cooking कर रहा था? क्या कर रहा था? So the rabbit is dash a carrot. Rabbit जो है वो carrot खा रहा है. तो यहाँ हमारा जो right option है वो है eating. कैरेट जो है वो खाते हैं ना, पीते तो नहीं है ना उसको. तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ईटिंग. तो हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया. द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट. रैबिट कैरेट खा रहा है. नंबर 2. बर्ड्स आर डैश इन द स्काई. बर्ड्स आर डैश इन द स्काई. बर्ड्स जो है स्काई में क्या करते हैं? लेकिन थ्री ऑप्शन है, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग या स्विमिंग. क्या करते हैं फ्रेंड्स? चढ़ते तो नहीं ना, फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं, स्विमिंग भी नहीं करते. तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? फ्लाइंग. फ्लाइंग में टिक करेंगे. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. नंबर 3. मलिक इज डैश ऑन अ ट्री. मलिक इज डैश ऑन अ ट्री. पेंटिंग, क्लाइंबिंग या वॉशिंग. मलिक जो है वो क्या कर रहा है? ट्री पर पेंटिंग कर रहा है या क्लाइंबिंग कर रहा है, वॉशिंग कर रहा है? क्लाइंबिंग. ये हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स बुक में, मलिक इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री. नंबर 4. मिस्टर अली इज वॉशिंग हिज डैश. मिस्टर अली इज वॉशिंग हिज डैश. डॉल, टेडी बियर या कार. मिस्टर अली जो है वो अपनी क्या वॉश कर रहे हैं? टेडी बियर कर रहे हैं, डॉल या कार? अपनी कार को वॉश कर रहे हैं. गुड. आप लोगों ने भी मेरे साथ लिख करना है और रीड भी करते रहना है साथ साथ. नंबर 5. तला इज क्लंटिंग अ डैश पुश. तला इज क्लंटिंग अ डैश पुश. जैस्मिन, रोज या लिली. स्टूडेंट्स हमने ये रीड किया था ना चैप्टर में, तला जो है वो किस चीज को क्लाइंबिंग कर रहा है, कौन से फ्लावर की? जैस्मिन की, रोज की या लिली की? क्या लगा रहा था वो? किसकी झाड़ी लगा रहा था वो? रोज की. तो ये हमारा रोज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक करेंगे. ये हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया है. तला इज प्लांटिंग अ रोज बुश. नंबर 6. Dash is eating an apple. Apple कौन खा रहे? सारा, सबा या सना? कौन खा रहा है? सबा. ये हमने बुक में चैप्टर में पढ़ा है ना कि एपल कौन खा रहा है? सबा. सबा is eating an apple. Number 7. Sharon is giving a dash to her teacher. Sharon जो अपनी टीचर को क्या दे रही है? ब्रश, वॉश या फ्लावर. तो करेक्ट ऑप्शन तो सबको याद है ना, क्या था हमने पढ़ा है ना ये बुक में. तो करेक्ट ऑप्शन इसका फ्लावर. फ्लावर पे टिक कीजिए मेरे साथ. अब यहाँ हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. शैरन इज गिविंग अ फ्लावर टू हर टीचर. स्टूडेंट्स 1 to 7 एमसीक्यूज यहाँ कंप्लीट हो गए हैं. अब चलते हैं अपनी डायरी की तरफ. तमाम स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लीजिए. फ्रेंड्स डायरी नोट कर लीजिए. लर्न एंड राइट सीवर प्लस लर्न बुक पेज नंबर 45 एक्सरसाइज नंबर 1. अच्छी तरह से लर्न भी करना है, उसको राइट भी करना है. एमसीक्यू जो बोर्ड पर करवाया मैंने आपको, और बुक पेज नंबर 45 पर एक्सरसाइज नंबर 1 आपने लर्न करनी है. स्टूडेंट जो भी आपको लर्न मिला करे वो लाजमी किया करें आप लोग. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.